हेलो एवरीवन, प्रियास कुकिंग हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिपिकल ओडिया फूड, जिसे हम बोलते हैं कदड़ी भंडा पतुआ, केले के फूल की स्वादिष्ट सब्जी। इसे बनाना बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी मेरे साथ मेरे किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए केले के फूल को बिल्कुल ही रफली चॉप कर लिया है। हमें रफली ही चॉप करना है उसे। इसको कैसे क्लीन एंड कट करते हैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके अलावा हमें चाहिए कुछ लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद सरसों, काला सरसों, लहसुन और अदरक को मिक्स करके पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक आलू को बारीक काट के लिया है, बिल्कुल पतला पतला काट के। और हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पानी। और हमें चाहिए तेल, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने बाद में उसको ऐड किया है। तो हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पानी, नमक और हल्दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर करके उसको अच्छे से मल के हम इसके साथ मिक्स करेंगे। पानी को हमें फेंकना नहीं है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे जार में हम ये केले के फूल के छोटे छोटे जो मैंने रफली चॉप किए हैं पीसेस, उसको डाल लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। उसी नमक और हल्दी वाले पानी को हमें इसमें ऐड करना है। एक बार लेकिन केले के फूल को धो लीजिएगा काटने के बाद। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। फाइन मतलब बिल्कुल ही पेस्ट बनाना है हमें उसका। उसका बारीक बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। तो अब करते हैं इसके आगे का प्रोसेस शुरू। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एल्युमिनियम का बर्तन लिया है। आप लोग चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई भी कढ़ाई। और इसमें अब मैं डालूंगी कटा हुआ आलू। यहाँ पे मैंने एक बड़े आलू को बारीक काट लिया था अच्छे तरह से। उसके बाद मैं डालूंगी उस पेस्ट को। तो एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दिखता थोड़ा अजीब है लेकिन खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और पानी और बिल्कुल भी ऐड ना करें हल्दी। एक बात बताऊं, ओडिया फैमिलीज में एल्युमिनियम बर्तन का बहुत यूज होता है। लाल मिर्च पाउडर आप तीखे के हिसाब से डालें, क्योंकि हम बाद में हरी मिर्ची डालने वाले हैं इसमें। और ये जो पेस्ट मैंने बनाया था सरसों का, उसको डाल दूंगी। और इस रेसिपी के लिए एल्युमिनियम का बर्तन सबसे बेस्ट है। अब मैं इसमें डालूंगी ये सरसों का तेल, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं बताना भूल गई हूँ वो। और ये लहसुन जो मैंने रखा था उसको मैंने यहाँ पे क्रश करके डाल लिया है। और ये हरी मिर्च को तोड़ के डाल लेंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी और बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि वो पेस्ट बनाते आप इतना पानी दिए होंगे आपका उसी में ही आलू पक जाएगा। ज़्यादा पानी देंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा पकने के लिए। ये करीबन 15 से 20 मिनट लगता है गैस में पकाने के लिए। गैस में आप इसे लो फ्लेम पे पकाएं और ओटीजी और ओवन में 40 से 45 मिनट। तो मैं जा रही हूँ अब इसे ओटीजी में पकाने के लिए रखूँगी 40 से 45 मिनट 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू भी कितने अच्छे से पक गया है, पानी बिल्कुल ही ड्राई हो गया है ये देखिए। और खुशबू और कलर बहुत अच्छा आया है इसका। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप इसको पका रहे हैं गैस पे हो, ओटीजी पे हो, ओवन पे, इसको बीच बीच में चलाते रहें। चलाने से ये जलेगा नहीं, नहीं तो आप इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। और पानी बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए इस तरह से। तो चलिए करते हैं इसकी सर्विंग। तो आप ये रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और इसे आप चावल दाल या रोटी या पराठे जिसके साथ खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ स्वादिष्ट लगता है, ये बहुत हेल्दी भी होता है
और हाँ, कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ।